और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए या 3:30 के बीच जाने हम लोगों की पहले कोई आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ हम लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके हक गए सब लोगों ने एक साथ और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि लोकसभा में 64 इंडिपेंडेंट 1 से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिलकर के 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तक भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं हम सभी तो गवर्नर साहब ने क्या आपको आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही ना करेंगे उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए आपको ही शपथ हमने आपको बेसिक बता दिया उसका सब लोग बताएंगे आपको एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह अरे भाई वो तो उसकी वजह थी आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के तो और ना आपको एक पूरा एक खुद कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम पढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे बढ़ जो समूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग अलग हो गए वो ठीक नहीं हुआ समझ गए ना आपको अपमानित भी किया गया आपके खिलाफ भाई उसको जो बोलते अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना हमको कुछ नहीं कहना लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग आप सोच लीजिए भाई उधर 3 पार्टी अब 2 पार्टी इधर 1 पार्टी आ इधर 5 पार्टी और सब मिलकर 7 पार्टी एक साथ हो गए हम ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं बिहार का है बिहार की सेवा करना हम मिल करके काम करना सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू वो हमको अच्छा नहीं लगता था आप अच्छी तरह जानते हैं ना आप तो एक बार 17 में हुए थे सत्ता के लसपा में आए न थे हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़ जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का वो तो सब हम लोग नहीं करते तो सबका एकता रहनी चाहिए आप तो जानते जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगता और जिस तरह से बात हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और कई तरह की बातें की जा रही थी वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था हम तो तैयार कहा जब आपको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम बोल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई अब आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और टेररिज्म से समझौता नहीं करेंगे तेजस्वी यादव सवाल ही हम लोग का सवाल ही नहीं पैदा होता है शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं हर तरह से काम करते हैं वो सब लोग मिल के
ये अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें, तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ डर जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक, विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी, ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे, विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे, यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ, और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ पांच दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में,
नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए, तो इसलिए। और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन 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 हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था 2024 के लिए नीतीश कुमार, क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और दो दो बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के, चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में दो बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था, यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है, पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी तो प्रचार का काम कर, नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकते हैं चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार देख रही है लोगों की बात? तो नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और एक बार फिर से लालटेन की रोशनी में बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर दी है।